22 रुपए। तो ये 22 रुपए की अर्निंग बनी और एक दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो गई यार? यार बहुत दूर जाना है ये। ऑर्डर भेज चुका है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप गुड ही होंगे। और बताइए आपको कैसी वीडियो लग रही है हमारी, बताओ कमेंट में बताया करो। तो आज हम कोई घूमने नहीं जा रहे हैं और ना ही कुछ ऐसा खरीदने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। आज हम एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपको। आज मैं बनूंगा स्विगी डिलीवरी बॉय। ये मेरे को एक दिमाग में ऐड है कि लोग एक दिन के लिए स्विगी डिलीवरी बॉय बनते हैं। एक दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए बनते हैं। और ढोल की आवाज़ आ रही है तो भाई, और ढोल की आवाज़ को करो इग्नोर। तो मैं बताता हूँ कि हमने एक आईडी का जुगाड़ करा है, वो डिलीवरी बॉय है, उसके स्विगी आईडी का जुगाड़ करा है। और आज हम देखेंगे कितनी अर्निंग हो सकती है पर ऑर्डर पे, और ये भी देखेंगे कि कितना हार्ड वर्किंग काम है ये, कितने मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं इनको। और हम अभी काम करेंगे 12 बजे करीब करेंगे, जब थोड़ी दोपहर होगी, ताकि हमें भी लगे कि हाँ भाई हम गर्मी में काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ये तो खैर फालतू के बोल रहा हूँ मैं, आपको पता है। तो और इस ब्लॉग में हमारे साथ होने वाला है वो हरियाणा वाले भाई कुणाल रंगा, वही हरियाणा वाला, हाँ वो मिलेगा, वही ला रहा है आईडी। और बस चलते हैं। तो गाइस वो कुछ ही देर में आ जाएगा, फिर हम चलेंगे और अपना ऑर्डर पिक करेंगे। और आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, और आज हम कितनी अर्निंग करेंगे इससे। मतलब कर ज़्यादा तो करेंगे नहीं, पर मैं एक एस्टिमेट बता दूंगा कि हम एक पर ऑर्डर पे कितना कमा सकते हैं, समझ रहे हो? ओके, स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो अब हमने अपना पहला ऑर्डर उठा चुके हैं। पहला ऑर्डर कहाँ से आया भाई? पहला ऑर्डर हमारा है वीरेदी, वीरेदी मलाई चाप। ऑर्डर है हमारा है यहाँ से आया है, तो हम पहला ऑर्डर यहीं से उठाएंगे। और हमें देना कहाँ है? गैस करिए, बहुत दूर देना है हमें। हमें देना है यहाँ सामने। तो पहला ऑर्डर तो बड़ा आसान है हुआ, बहुत आसान है, बस यहीं से उठाए वीरेदी से और सामने जाना। जरा वो दिखाइए फोन दिखा, ये देखिए इनका एक क्लासिक थाली है। ओके गाइस, ओके आज कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, आज स्विगी ट्राई करके हमने एक दोस्त की आईडी लिया, हमने आज यूज करने के लिए, ताकि देखते हैं स्विगी डिलीवरी बॉय कैसे होता है। डिलीवरी बॉय की लाइफ, डिलीवरी बॉय की लाइफ जिएंगे 24 घंटे के लिए। ये ऑर्डर हमारा तैयार हो चुका है, हम इसको लेकर जाएंगे और डिलीवरी करके आएंगे। ये पता नहीं कोई होर्न बजा रहा है, वो बहुत देर से कुछ लड़का के रहेगा। हो गया ऑर्डर रेडी, हो गया नहीं हमारी जो है ऑर्डर रेडी है, बाकी रखा देखो। क्या नोटिफिकेशन आई है मत दिखा हमने ऑर्डर पिकअप कर लिया है, और अब हमें देना है कहाँ पे, वो देखो सामने मुथूट फाइनेंस पे। बताओ यार बंदे क्या आलसी हो गए हैं, पैदल यहाँ तक कहाँ जाएंगे, यहाँ तो पैदल ही चले जाएंगे। सामने पैदल चले आते हैं। अबे यार टपा टपाएगा नहीं यहाँ से, बहुत बड़े। तो ये कस्टमर से बात कर रहा है, वो ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये खिड़की पे पूरा कस्टमर अभी दे के आएगा। तो ऐसा हो गया हमारा पहला ऑर्डर। तो भाई पहला ऑर्डर तो सक्सेस हो चुका है, बहुत बड़े तरीके से, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। इसमें अर्निंग बनेगी शायद से बस 20 रुपये कुछ बनेगी अर्निंग। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि पर ऑर्डर पर 20 रुपये, मतलब मैटर करता है कितना हो चुका है। अरे कुणाल, कुणाल पटाखे भी फूट चुके हैं। 9 मिनट वेटिंग टाइम मिला है हमें, 9 मिनट वेटिंग टाइम मिला है। तो यही है, आप हिसाब लगा सकते हो। गेट नेक्स्ट ऑर्डर, नेक्स्ट ऑर्डर लेंगे हम, अब नेक्स्ट ऑर्डर लेंगे हम। गाइस देखो अभी भी जस्ट हमने ऑर्डर ड्रॉप करा है, और हमारा दूसरा ऑर्डर बच चुका है। ये रहा इन्हें गाइस को दिखा दो, दिल्ली दरबार का ऑर्डर है, दरबार का ऑर्डर है। अब जा रहे हैं दिल्ली दरबार, ये आगे पिक करते हैं
फिर बताते हैं आपको भाई। जो देखो सनलाइट में गोल्डन ग्लो आ रहा है, पर भाई बहुत मजा आ रहा है डिलीवरी करने में। वी आर एंजॉयिंग अ लॉट, हम एंजॉय कर रहे हैं, पर ये जिनका रोजा काम है वो नहीं कर पाते होंगे। तो अब हम जाते हैं दिल्ली दरबार, वहाँ से उठाएंगे। तो ये हम जा रहे हैं दिल्ली दरबार पे ऑर्डर पिक करने, वहाँ से पिक करते हैं हम और आपको दिखाते हैं। तो ये भाई गलती से हम आगे आ गए थे, सॉरी भाइयों, दिल्ली दरबार पीछे ही था। कहाँ है दिल्ली दरबार, कहाँ है, अरे कहाँ है, हाँ ये रहा, सॉरी देखिए ये रहा, आ चुके हैं हम अपनी लोकेशन। यहाँ ये भी ज़्यादा दूर नहीं था, ये रहा दिल्ली दरबार, आ चुके हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ से अपना ऑर्डर पिकअप करेंगे, फिर आपको बताते हैं भाई ऑर्डर क्या है। ऑर्डर हमारी है 3 प्लेट भेड़ी पूरी और 1 है छोले भटूरे। भाई अब क्या, हम दिल्ली दरबार पर वेट कर रहे हैं ऊपर, यहाँ पे आ गए ऊपर, आराम से इसी में बैठ के वेट करेंगे। अंजलि सहारनपुर, हेलो, यही है देखो मजे की। अभी क्या हुआ है, हमारा मतलब दिल्ली दरबार से ऑर्डर था, नीचे इनका रेस्टोरेंट है, मतलब नीचे खाली पिकअप ही है और ऊपर इनके जो खाली गेस्ट आते हैं ना वहाँ वो बैठते हैं खाली। अभी इन्हें कुछ बताया नहीं, हम ऊपर आके बैठ चुके हैं अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता। और जैसे हमारा ऑर्डर रेडी हुआ है हम नीचे उठा के लेके भाग जाएंगे। भाई कहाँ देना है ये, अबे यार ये यार बहुत दूर जाना है, ये सेवाधाम वाला रोड पड़ जाता है। कितने किलोमीटर दूर है वैसे भाई, ये होगा मेरे ख्याल से लगा लेंदा या सेवाधाम रोड पे। मतलब यार ये जो थोड़ी मुश्किल भी है, दूर दूर थोड़े थोड़े मजे भी हैं यार, मजे भी हैं पर यार इंसान दुखी हो जाता है इसके लिए, मतलब मेहनत चाहिए। स्विगी वाला कमाई तो देता है, तुम दिन के 1500 तो कमा सकते हो, तो तुम्हारी अच्छे से ले लेगा भाई, पूरी मेहनत करवाएगा सुबह शाम तक, तुम बहुत काम करवाएगा, तुम्हारा हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है इसमें, पर सैलरी भी अच्छी है, हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क का तो क्या है, हर जगह हार्डवर्क लगती है। अब हम ब्लॉग बना रहे हैं पर तुम लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, वो बात अलग है, पर हम बनाएंगे, हमारा मन करता है। पर पीछे मेरे टीवी लग रहे हैं, सारे टीवी देख रहे हैं, हमें ये होता है यार, अगर तुम भरी भीड़ में वीडियो बनाओगे ना तो आधी पब्लिक 70% तुम्हें देखेगी, यानी क्यों क्या मजा आ गया, कुछ अलग दिखा ना यूनिक भाई। हम ही स्मार्ट फोन ले क्या खाएगा भाई, क्या खाएगा बता दे जल्दी। मैं खाऊंगा भाई भेड़ी में पूरी और छोले भटूरे, भेड़ी पूरी और छोले भटूरे का साले कर रहा है, पैक करा रहे थे, काम करते हैं हम, कस्टमर के तो करा ही रहे हैं, हम अपने पैक करा रहे हैं, घर चल खाएंगे आराम से बैठ के। हाँ तो दे जिसका हम वेट कर रहे हैं, देख लो एक्टिंग बाजी है, दोबारा कर ले आराम से, क्रैश होने अपनी एंट्री करके और अपनी स्लिप ले ली है, जो भी ऑर्डर है हम देते हैं, ऑर्डर पिकअप कर रहे हैं यहाँ दिल्ली दरबार से, तैयार हो जाओगे तो गाइस ऑर्डर मिल चुका है, हम जाते हैं। अंगूठा दिखा दो, अब इसको डिलीवर करेंगे हम, फिर आपको बताते हैं अर्निंग कितनी बनेगी, राउंड ऑफ कितनी बन सकती है। राउंड ऑफ बन सकती है करीबन मेरे हिसाब से 30-35 बनेगी पर ऑर्डर, मेरे हिसाब से उस हिसाब से लग रहा है 30-35 पर ऑर्डर। मतलब अभी देखो हमने दो ही डिलीवरी मारे 50 कमा लिए हमने, अराउंड 50 देर में हमें कुल आधा घंटा भी नहीं हुआ पूरा, डिलीवर करते हैं इसको। चलिए ऑर्डर देने जा रहे हैं, इंग्लिश के बोल रहा है, अरे हम जा रहे हैं ऑर्डर देने, हिंदी जनता है हमारी, हिंदी भी ठीक है, इंग्लिश में बोलने के हिंदी में भी जैसे तुम्हें ठीक लगे गाइस, हम दोनों में कंफर्टेबल हैं भाई। एक एक बात तो है, ये डिलीवर करते हुए मेरे पीछे बैठा हुआ है,
और ये गर्मा गर्म जो है ना मेरे पीठ पे लगा रहा है, बहुत गर्म गर्म लग रहा है। गर्म गर्म वो तो लगेगा, ये जो ऑर्डर है तो बात है। हम जा चुके, देने जा रहे हैं, ओके फोन काटो। भाई वो एक दिक्कत हो गई है, क्या दिक्कत हो गई है भाई? वो दिक्कत ये हो गई है, जो कस्टमर था उसने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। पता नहीं कोई शोरूम का फोन आया था अभी, उनके फोन में यूँ कह रहे थे कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम लेट हो जाएंगे, ये वो करने का सर पहुँचने वाला, थोड़ी देर में टाइम लग जाएगा, जाम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लोकेशन रोड पे, तो चक्कर उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो अब कैंसिल करने के बाद तो क्या हमारा ही फायदा है, क्योंकि जो ऑर्डर होता है स्विगी में ऐसा क्या होता है कि अगर मैंने अपने दोस्त से सुना था, अगर ऑर्डर आज हमें खाने को मिल रहा है भाई बेटी पूरी तो भाई ये ब्लॉग यहीं तक का था, ये थोड़ा छोटा ब्लॉग है, ये जस्ट छोटा सा ब्लॉग है, हमने आज ट्राई करा था स्विगी के लिए डिलीवरी बॉय एज अ लाइफ जीने के लिए, बट हमें मज़ा आया, अब हमारा मन नहीं कर रहा खाएंगे कुछ, पेट हो जाएगा, बात चलेंगे अगली डिलीवरी करने। इस वीडियो को पता नहीं क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। भाई स्टैंड लग रहा है, स्टैंड लग रहा है भाई का, स्टैंड लग रहा था। तो भाई इस वीडियो बात नहीं लगा रहे हैं, तो जैसा बाकी ब्लॉग में आगे दिखाते रहेंगे बातचीत जैसी भी होगी, और अपना अपडेट देते रहेंगे टाइम टू टाइम। Until then, bye bye. वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके सब्सक्राइब शेयर जरूर करना चैनल को, बाकी हम सारी डिटेल्स देते रहेंगे, और आगे आने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे बस भाई कितना बोलेगा, बट ठीक है।